दोस्तों, जैसा कि आप ये मॉडल देख पा रहे होंगे, इसका साइज है 15x35। बहुत ही खूबसूरत डिजाइन मैंने क्रिएट किया है। वैसे तो हमारे चैनल पर एक 15x35 का डिजाइन पड़ा था, लेकिन काफी रिक्वायरमेंट के बाद एक हमारे सर थे, हमारे एक सब्सक्राइबर थे, उन्होंने बोला सर 15x35 का एक और डिजाइन क्रिएट करके दीजिए। तो उन्हीं के कहने पर मैंने बेहतरीन सा डिजाइन आपके लिए क्रिएट किया है। देखिएगा, इसकी चौड़ाई की बात करें तो 15 फिट है और लंबाई की बात करें तो 35 फिट है। बहुत ही बेहतरीन सा मॉडल आपको दिख रहा होगा। फ्रंट से अगर देखें तो आपको फ्रंट से ऐसा दिखने वाला है। अगर हम टॉप व्यू देखते हैं, टॉप मतलब ऊपर से, तो आप देखिएगा ये मॉडल आपको दिखने वाला होता है। साइड से सिंपल सा है और मैं बैक भी आपको दिखा देता हूँ। बिल्कुल सिंपल सा मॉडल है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बेहतरीन डिजाइन किया है मैंने आपके लिए। तो पूरा हम डिस्कस करेंगे इस मॉडल को। उससे पहले मैं जैसा कि हर हमेशा की तरीके से आपको इसको ट्रांसपेरेंट करके दिखाता हूँ। मॉडल कोई भी मॉडल हो, इसको ट्रांसपेरेंट मैं करता हूँ। तो चलो मैं इसको ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ सबसे पहले, और ट्रांसपेरेंट करने के बाद आपको ये मॉडल पूरा ऐसा दिखने वाला होता है। लास्ट से एंड तक, फ्रंट से अंदर से बाहर तक आपको पूरा ऐसा मॉडल दिखेगा। आप टॉप भी देख सकते हो, ऊपर से भी देख सकते हो, सेम टू सेम डिजाइन बिल्कुल आपको क्रिएट किया गया है। तो ये मॉडल आप देख पा रहे हो, ट्रांसपेरेंट व्यू है जैसा कि मैंने आपको बताया। चलो मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी रिमूव कर देता हूं और ओरिजिनल पोजीशन पर फिर से इसको मैं लाता हूं। तो ये इसका ओरिजिनल पोजीशन है जैसा कि आपने देखा होगा। अगर दोस्तों ये मॉडल आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज अभी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। और एक गुजारिश और करूंगा, आप लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब अगर जिन लोगों ने नहीं किया है स्मॉल हाउस प्लान नाम के चैनल को, तो प्लीज इसको जरूर सब्सक्राइब करें, कि साथ साथ बेल आइकन दबाएं। सब्सक्राइब कैसे करना होता है सभी लोगों को पता है, रेड कलर का बटन आ रहा होगा जिसमें सब्सक्राइब लिखा होगा ऐसा, यहाँ पर दोस्तों जहाँ वीडियो प्ले कर रहे हैं नीचे लिख कर आता है। तो सब्सक्राइब करने से मेरे आप लेटेस्ट एंड अपडेटेड वीडियो लगातार देखते रहेंगे। अगर आपकी भी कोई रिक्वायरमेंट है कि सर मुझे ये मॉडल चाहिए इस साइज का, तो मुझे कमेंट करें। जितना पॉसिबल हो सकता है मैं डिजाइन जरूर देता हूं किसी न किसी का, और ये भी डिजाइन किसी के कहने पर ही मैंने आप सभी को दिया है। तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलो डिस्कस कर लेते हैं पूरे मॉडल को। इसका आज हम फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर एंड सेकेंड फ्लोर पूरा डिस्कस करेंगे। तो ये मॉडल आपने देखा, तो सबसे पहले हम ले चलेंगे आपको इसको ग्राउंड फ्लोर पर। तो ग्राउंड फ्लोर से देखिए, फ्रंट से आपको ऐसा दिखने वाला है, सामने से आपको ऐसा दिखेगा। ये जो आप पिलर से देख रहे होंगे, पट्टी से दो देख रहे हैं, ये दूसरा डिजाइन है, ना कि कोई पिलर है, ये सिर्फ डिजाइनिंग है। मेन डोर आपका ये, मेन डोर के ऊपर एक विंडो दिया है, विंडो जो ऊपर है, और ये भी ये क्या नाम विंडो दिया है, ये आपको ही एक विंडो दिया है, ये वेंटिलेशन के लिए दिया है। जैसे आप एंटर करते हैं तो सबसे पहले आपको मिलता है स्टेयर्स। दोस्तों बस यहाँ पर इस मॉडल में ध्यान देना आपको ये है, ये जो मैंने ये गली दी है ये 7 फिट की अप्रोक्स है, ठीक है। और ये जो स्टेयर्स दी है, जो स्टेयर्स आपको चढ़ने के लिए अंदर से इधर से चढ़ेंगे और ऐसे आपको एल साइज में आएगा। लेकिन आपको ये बहुत ध्यान देना, जब भी आप स्टेयर्स बनवाएं तो स्टेयर्स की जो ऊंचाई होगी एक तरफ से लगभग 7 फिट करें, क्योंकि दरवाजा जो होता है, गेट होता है 6.5 फिट का होता है। तो 7 फिट का अगर आप ऊंचाई रखेंगे इस स्टेयर्स का, सीढ़ी का, तो आप बहुत ही आसानी से दरवाजे से आ जाएंगे, आप पे डिपेंड करता है। क्योंकि बहुत ही बेहतरीन प्लान मैंने डिजाइन किया है, अगर आपके स्टेयर्स यहाँ कवर हो जाता है तो ये वाला, तो जो आपका लगभग ये वाला जो एरिया है स्टेयर से चढ़ने के लिए, इसमें तो आपका जगह जो होगा वो कंज्यूम करेगा, लेकिन जो ऊपर वापस आएगा उसमें कोई कंज्यूम नहीं करेगा, पूरा आपका यूज में आ जाएगा जगह। सिर्फ आपको यहाँ पर थोड़ा ऊंचाई पे देना है चढ़ने के लिए, जिससे आप सामने जो, क्योंकि गेट मैंने जो दिया फ्रंट पे दिया है, यहाँ से आप इंटर करेंगे तो ऊंचाई इतनी होनी चाहिए जिससे आपका कोई भी प्रॉब्लम ना हो, आप बहुत ही आसानी से अंदर आ सकें। इसके बाद जैसे आप पीछे आते हैं तो देखिएगा यहाँ पर ओपन एरिया है, और ये पीछे एक बेडरूम है, पूरा डिजाइन कर दिया 12.5 फिट। और एक और आप मैं बताना चाहूँगा, अगर आपकी एग्जैक्ट आपको डायमेंशन जाननी है इस बेडरूम की, इस ये दोस्तों किचन दिया है मैंने, ये ओपन किचन है, ये लेटरिंग एंड बाथरूम है आप देख सकते हो, और ये आपका एक छोटा सा बेडरूम है, आप ये देख पा रहे होगे। इस बेडरूम के लिए ये वाला यहाँ से मेन डोर है, इससे लेटरिंग बाथरूम कम्बाइंड है, इसके लिए ये डोर दे रखा है, ये आपका किचन है। और इस वाले रूम की बात करें तो मेन डोर आपका ये है और एक विंडो दिया है। इस वाले रूम के लिए वेंटिलेशन के लिए विंडो मैंने बाहर से दे रखा है। तो ये पूरा, अगर आपको इसके एग्जैक्ट डायमेंशन जाननी है तो आप दोस्तों हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, जिसका नाम है smallhouseplan.com है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जैसे वहां पर जाएंगे तो आपको लिंक मिलेगा, तो आपको यहाँ पर एग्जैक्ट डायमेंशन देखिए मिल जाएगा पूरा रूम का, अगर हम बात करें लेटरिन एंड बाथरूम का और किचन का और सामने वाले रूम का, और ये कितना विंडो है, सब कुछ आपको यहाँ पर एक एक मतलब कि पूरा डिजाइन का आपको मिल जाता है।
डायमेंशन, बहुत ही एग्जैक्ट डायमेंशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलो अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसका। तो फर्स्ट फ्लोर तो ये हो गया, अगर हम सेकंड फ्लोर की बात करें दोस्तों, ग्राउंड फ्लोर ये हो गया, फर्स्ट फ्लोर की बात करें तो फर्स्ट फ्लोर भी बिल्कुल सिमिलर ही मैंने डिजाइन किया है। जैसे आप स्टेयर से आएंगे आप यहाँ पर सेम वही बेडरूम, वही लेटरिन बाथरूम, किचन, अगर आप लेटरिन बाथरूम यहाँ नहीं रखना चाहते तो इसको रिमूव कर सकते हैं। और इसका लेकिन ये बालकनी मैंने निकाल दिया है लगभग, और ये इस वाले मेन डोर, इस वाले क्या बेडरूम में मैंने यहाँ से गेट दिया, और एक बाहर इस बालकनी में टहलने के लिए भी गेट यहाँ पर दे दिया है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये 2.5 फीट का अप्रॉक्स बालकनी दिया है मैंने, और सारी चीजें वही सेम है। फ्रंट से आपको ये मॉडल ऐसा दिखने वाला है। अगर हम लास्ट फ्लोर की बात करें तो आप लास्ट फ्लोर देख सकते हो, ऐसा आपको दिखेगा। और लास्ट फ्लोर खास कुछ मैंने नहीं डिजाइन किया है, और ये आप सिर्फ फ्रंट से आपको ऐसा दिखेगा लास्ट फ्लोर। और ये सिर्फ सीढ़ी है जो ढक दिया है मैंने, और ये मैंने एक डिजाइनिंग के लिए एक ग्लास लगा दिया है, और सीढ़ी से जैसे ऊपर आते हैं तो ये एक आपको डोर मिलता है। और सामने आपका जो फ्रंट लास्ट वाला रूम बेडरूम था, सेम टू सेम बेडरूम है जैसा कि पीछे था, ऊपर से लेकर नीचे तक। सिर्फ आपको मैंने ये डिजाइन दार छत लगा दी है, जिस स्लोप से रूप बोलते हैं, स्लोप वाली रूप, मतलब कि वो आपको मैंने डिजाइन दिया है। तो ये आपको फ्रंट से ऐसा दिखेगा, और ये विंडोज है, और विंडोज के ऊपर एक विंडो जिसमें आपको वेंटिलेशन में कोई प्रॉब्लम्स ना हो, चाहे वो रूम हो या बेडरूम हो। तो ये देख पा रहे होंगे जैसे आप इंटर करेंगे, ये भी बालकनी सिर्फ 2.5 फीट का अप्रॉक्स यहाँ पे बालकनी है 2.6 का, और ये पूरा मॉडल आपने यहाँ पर देखा होगा। तो ये मॉडल कैसा लगा मुझे कमेंट करें जरूर, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। इसको लास्ट में मैं एक बार फिर से ट्रांसपेरेंट आपको करके दिखा दूं, क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं सर ट्रांसपेरेंट मुझे एक बार और दिखाएं। तो देखिएगा ट्रांसपेरेंट से फिर से आपको खूबसूरत सा मॉडल दिख रहा होगा। और दोस्तों जरूर बताएं कि ये मॉडल आपको कैसा लगा, क्योंकि बहुत मेहनत से बनता है, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं कि ये मॉडल आपको कैसा लगा। तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करें, अगला आप कमेंट करें, अगर आपका कोई भी रिक्वायरमेंट आप घर का नक्शा या डिजाइन बनवाना चाहते हैं तो कमेंट करें, मैं हो सकता है पॉसिबिलिटी किसी ना किसी का जरूर बनाता हूं, तो आपका शायद सिलेक्ट हो जाए। तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें।